नमस्कार दोस्तों, आयुष स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है एरुटेरिया का जो बिहार एसएससी के लिए वॉल्यूम 2 का नया बुक आया है उसका हम लोग जो है सेट नंबर 1 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और आपका कितना स्कोर आ रहा है ये आप लोग कमेंट में जरूर बताया करिए। आज का पहला क्वेश्चन है, 6.5 पीएच मान वाले एक बिलियन में एचसीएल की कुछ बूंदे मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको मिलाने पर जो है बिलियन में अधिक अम्लीय हो जाएगा बिलियन और इसका पीएच मान जो है घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 1 सही होगा। मानव के मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है। तो रंग में परिवर्तन ये रासायनिक परिवर्तन है, किसी गैस का बनना भी जो है रासायनिक परिवर्तन है और ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन जो है ये रासायनिक परिवर्तन की ही घटनाएं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, इनमें से सभी जो है रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। तो नायलॉन जो है एक फाइबर है, पीवीसी जो है ये थर्मोप्लास्टिक है और वेकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 2। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट क्या होता है। तो इसका एसआई यूनिट होता है विद्युत शक्ति का वाट। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही होगा। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, शक्ति का एसआई मात्रक जो है वाट होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो इनको जो है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है, ये जीवित जीवों के मृत अवशेष से प्राप्त होता है जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को जो है एम्फीबिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। ये जंतु जो है असमतापी होता है, जिसके शरीर का तापमान जो है वातावरण के तापमान के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। इसके जिससे कि मेढक और टोंड ये सभी जीव हैं वो एम्फीबियम में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम में पाया जाने वाला पोषण का साधन है, तो ये जो है मृतोपजीवी होता है। मशरूम में पाया जाने वाला पोषण का साधन जो है मृतोपजीवी होता है। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है, ये जो है शीतकाल में जो है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है और गर्मी के दिनों में जो है इसकी लंबाई बढ़ जाने के कारण जो है ये स्लो हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, ये जो है M.N. शाह का देन है ऊष्मीय आयनन सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सीवी रमन जो है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रमन प्रभाव की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की संयंत्रता जो है घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसी तरल पदार्थ क्या कहलाता है। तो इसको जो है साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिकाओं में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो जेली जैसा पदार्थ रहता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहा है।
तो ब्रिटिश के भौतिकी एवं रासायनिक विज्ञानी विलियम हेनरी बेग ने वर्ष 1915 ईस्वी में भौतिकी विज्ञान का नोबेल प्राइज अपने पुत्र विलियम लॉरेंस बेग के साथ जो है प्राप्त किया था संयुक्त रूप से। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। इन्होंने एक्स रेज के स्पेक्ट्रोमीटर का विकास किया था और इस यंत्र की सहायता से परमाणुओं और क्रिस्टलों के विन्यास को जो है स्पष्ट किया था। इसके लिए ही इन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सितार में किस प्रकार का ध्वनि तरंग उत्पन्न होता है? तो इसमें अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंग जो है इसमें उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें जो है ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, इसके कंपन के आयाम को कम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण के लिए किया जाता है? तो अवरक्त किरण का यूज किया जाता है रात्रि दृष्टि उपकरण के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो इसमें से जो है सबसे अधिकतम ऊर्जा गामा किरण का होता है, उसके बाद एक्स किरण का होता है, फिर प्रावैगनी किरण, उसके बाद दृश्य प्रकाश, फिर अवरक्त किरण होता है, और फिर माइक्रोवेव होता है, और सबसे लास्ट में जो है रेडियो तरंग होता है। तो इसमें गामा किरण नहीं दिया हुआ है, तो इस उसके बाद आएगा एक्स किरण का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर चार होगा, एक्स किरण का जो है सबसे अधिक होगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई अबंध कितने होते हैं? तो इसमें जो है ओजोन अणु के कोणीय आकृति में दो सिग्मा होते हैं और एक पाई अबंध होता है, दो सिग्मा और एक पाई अबंध होता है इसमें। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है, यह क्या इंगित करता है? तो यह धारा का रासायनिक प्रभाव को जो है इंगित करता है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? तो एलिवियोली वे होता है जहां फेफड़ा एवं रक्त श्वसन प्रणाली के दौरान ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। वायु से श्वास ली जाने वाली ऑक्सीजन एलिवियोली के से होकर ही रक्त में जाता है और यहां से पूरे शरीर के ऊतकों में यह पहुंचता है। तो यह गैसीय विनिमय जो है एलिवियोली के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? तो नासिका जो है ये एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है। नासिका श्वसन की प्रमुख कार्यात्मक भूमिका जो है फेफड़ों के अंतर्गत वातावरण को बनाए रखने के लिए वायु में उपस्थित अशुद्धि एवं बाहरी कणों से बचाव करना जो है इसका एक प्रमुख काम है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं? तो ये वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देता है, तो ये गलत है। मरुस्थलीय पौधा जो है बहुत सारा पानी अपने अंदर जमा कर लेता है, इसकी पत्तियां सदैव चौड़ी एवं चपटी होती है, ये भी गलत होगा क्योंकि मरुस्थल के में जितने भी पौधे पाए जाते हैं उसकी पत्ती जो है कांटेदार होती है। वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसकी जड़ें जो है मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ जाती है, पानी की खोज में जो है इसकी जड़ें बहुत गहराई तक बढ़ जाती है, तो ये भी सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर तीन और चार जो है सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे का मात्रा अधिकतम होता है? पीतल में जो है 68 से लेकर 71% तक तांबा होता है, बाकी जो है इसमें जस्ता होता है। कासा में 88% तक तांबा होता है, जबकि इसमें 12% टीन उपस्थित होता है। जर्मन सिल्वर में जो है लगभग 50% तक तांबा होता है और गनमेटल में जो है लगभग 85% तक तांबा होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है कासा में 88% तक तांबा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक की उपाधि किसे दी गई है? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी के
जनक की उपाधि इनको दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे अस्त्री केसर कहा जाता है। पुष्प के केंद्र के भाग को अस्त्री केसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये शीतल महाजन जो है माउंट एवरेस्ट के पास से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला बनी है। ऑप्शन नंबर चार इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो ये 5 व्यक्तियों को जो है 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एवं पीवी नरसिम्हा राव तथा हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिकी एमएस स्वामीनाथन को यह प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? ये गुलजार और साहित्य के स्वामी रामचंद्राचार्य, गुलजार और साहित्य के स्वामी रामचंद्राचार्य को जो है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से दिए जाने की घोषणा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका चार सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन बना है? तो ये क्रिस्टीना पिस्कोवा को जो है 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का विजेता चुना गया है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोगो सागर 2023 कहां आयोजित किया गया है? तो ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 डेज फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक चेतन भगत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 14 डेज पुस्तक के लेखक मार्गेट एडवुड है और कीप योर फ्रेंड्स क्लोज पुस्तक के लेखक ली कोनेन है और ब्रेकिंग द माउल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक के लेखक रघुराम राजन और रोहित लामा है। ऑप्शन नंबर इसका जो है 11 डेज फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक जो है चेतन भगत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन नीतीश कुमार किए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की किस पंचायत को बाल हितेशी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है? तो ये नालंदा के एकंगरसराय की कोसियावा ग्राम पंचायत को जो है बाल हितेशी ग्राम पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर इसका चार सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 2022-23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभार्थियों की अधिकतम संख्या रही? तो 22-23 में जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो है बिहार राज्य में जो है लाभार्थियों की अधिकतम संख्या रहा है। ऑप्शन नंबर इसका एक सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बेलंडी पुरस्कार जीता है? तो ये लियोनेल मेसी ने जो है 8वां बेलंडी पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर इसका एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये एमएस धोनी को जो है स्टेट बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ है? तो ये विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना जो है दांडी मार्च के उद्देश्य से जुड़ा हुआ नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका चार जो है सही होगा। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में जो है स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक ये जो है चला था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये वक्त खान को ये
खिताब दिया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभा दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित की गई थी? तो रहनुमाई माजदायन सभा जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था 1 अगस्त 1851 ईस्वी को। इसकी स्थापना जो है मुंबई में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका एक सही होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीमुल्ला खां के द्वारा किया गया था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1930 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया था। और सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया है? तो इसका स्थापना जो है 1927 ईस्वी में गठन किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसकी स्थापना जो है पुणे में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रतिपादित किया गया है? तो ये एचडी देवगौड़ा के कार्यकाल में जो है प्रतिपादित किया है गुजराल सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका संकलन जो है विनय पिटक में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? तो ये संकिसा स्तंभ में जो है इसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियों का क्या महत्व होता है? तो इसका महत्व होता है प्राचीन ज्ञात विज्ञानों के बारे में बातों को चर्चा के लिए, दूसरा है राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति के लिए, और धार्मिक मान्यताओं वो व्यवहारों की चर्चा के लिए जो है इसका महत्व होता है। स्तंभ लेखों का अध्ययन में इसका महत्व नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी होगा, 1, 2 और 3 इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? तो लोदी जो है लोदी वंश के संस्थापक जो है ये अफगान मूल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुई थी? तो ये बलबन का मकबरा जो है शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो ये अमीर खुसरो थे, जो ये अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किए थे। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में हुआ था। अफगान संयंत्र जो है 1325 ईस्वी में हुआ था। और मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो है राजधानी का स्थानांतरण 1325 से लेकर 1351 ईस्वी के बीच में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 होगा। पहले 4 आएगा, फिर 3, 2, फिर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का प्रधान यानी कि प्रमुख का चुनाव कौन कराता है? तो इसका चुनाव जो है पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल करने किए जाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सरकार को सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है संघ एवं राज्य सरकारों के बीच में जो है शक्तियों का विभाजन होना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? तो इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो आर्टिकल 359 के तहत जो है अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं इसे नियुक्त किया जाता है इन्हें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इनकी नियुक्ति आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे उपसौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है और मैक्सिमम दूरी को अपसौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान राज्य के साथ सीमाएं जो है सिक्किम की मिलती है, अरुणाचल की भी मिलती है, और पश्चिम बंगाल की भी जो है सीमा भूटान राज्य से मिलती है। तो मेघालय की सीमा जो है इसमें से भूटान राज्य के साथ नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो जनजातीय समूह का देश से मिलान करना है, यहूदी इजराइल से संबंधित है, टेंडा लीबिया से संबंधित है, बेजा जो है मिस्र से संबंधित है, और लूल ईरान से संबंधित है। तो एक का जो है 4 आएगा, 2 का 3 आएगा, बी का, सी का 1 आएगा, और डी का 2 आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं? तो पछाभ कपासी जो है ये उच्चतम स्तर में दिखाई देता है आकाश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ करके सबसे छोटी तक जो है क्या होगा? घटता हुआ क्रम में बोल रहा है। तो गोदावरी जो है 1465 किलोमीटर लंबी हुई, 1465 किलोमीटर है, कृष्णा 1400 किलोमीटर है, नर्मदा जो है 1312 किलोमीटर है, और महानदी 851 किलोमीटर है। तो इसमें सबसे पहले आएगा 4, सबसे पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर जो है 4 नंबर आएगा, और सबसे लास्ट में 1 नंबर आएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो ये 12 समुद्री मील जो है लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैली हुई है भारत की क्षेत्रीय सीमा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो पीर पंजाल लघु हिमालय में है, ये सुमेलित है। कंचनजंगा जो है लघु हिमालय में, ये गलत दिया हुआ है। काराकोरम ट्रांस हिमालय में है, ये भी सही है। करेबा जो है ये कश्मीर में है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI जो है ये भारतीय मुद्रा बाजार बैंक के अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसका स्थापना जुलाई 1964 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है, ये निर्यात आयात बैंक को जो है ये उपलब्ध नहीं कराता है पुनर्वित्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा किया था? तो ये बजट 1992-93 के तहत जो है यूनियन बजट 1992-93 के तहत ये इसका घोषणा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये आद्र भूमि संरक्षण से संबंधित है, रामसर संरक्षण, रामसर सम्मेलन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। 1971 ईस्वी में जो है ईरान के रामसर शहर में रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला है क्लोरोमाइसिटिन, ये टाइफाइड नाशी है। ऑप्शन नंबर एक जो है सही है। क्रिस्टल वायलेट जो है पूर्तिरोधी है, ये भी सही है। क्विनीन जो है मलेरिया रोधी दवा है, ये भी सही है। एसिप्रीन जो है ये दर्द निवारक दवा है, ना कि निषेचक, ये गलत होगा इसका। ऑप्शन नंबर चार जो है इसमें गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसल कन्वेंशन प्रदान करता है, ये विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे के पार गमन आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश जो है प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए जो है यह एक प्रकार का मापदंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी जो है हनोई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के लिए पहले प्राप्त करता थे? तो सोमनाथ शर्मा जो है इसके लिए पहले प्राप्त करता थे। ऑप्शन नंबर चार इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान सा निकाय है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है इसका वर्तमान निकाय है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं किया है? तो शिखर धवन को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी नहीं प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल आयुष स्टडी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।